वैल्यू स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एक्सेलरेशन 2 m/s. ठीक, तो आफ्टर 5 सेकेंड अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून. फाइंड द टाइम टेकन बाई स्टोन टू रीच द ग्राउंड आफ्टर इट्स रीच एंड टोटल हाइट अटेंड बाई द बैलून वेन द स्टोन रीच द ग्राउंड एन जी इज इक्वल टू 10 m/s. चलो आप देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन. तो सबसे पहले डायग्राम जरूर बनाएं कि मान लो कि ये आपका बैल्यून है. ठीक, ये बैल्यून है और ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ 2 m/s से और इनिशियली स्टार्ट हुआ है इसीलिए यू जीरो और ये 5 सेकंड में मान लो यहाँ पहुंच जाता है. ये 5 सेकंड में यहाँ पहुंचता है इस जगह पर. इसको यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है ये टी, ये 5 सेकंड लगते हैं. ठीक, तो इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि यू फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं वी कितनी है. तो यहाँ से ए से बी तक की चर्चा कर लें, ए टू बी, और लिखें वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू तो जीरो है. और अच्छा एक बात बता दूं पहले मैं, साइन कन्वेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये साइन, कि जिस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका जाता है या छोड़ा जाता है प्रोजेक्ट किया जाता है उसे ओरिजिन मानते हैं और ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को और डिस्प्लेसमेंट को कैसा मानते हैं हम, पॉजिटिव. और अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ दे रखा है अलग से जैसे 2 m/s उसके दे रखा है इसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे. बट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात चले, बट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी अंडर द इफेक्ट ऑफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात चले तब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होती है. तो इसीलिए ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होती है तो चाहे पार्टिकल ऊपर जाए चाहे नीचे आए उन दोनों कंडीशन में जब नीचे ही होती है वर्टिकली डाउनवर्ड तो नीचे की तरफ चीज़ों को हम यू को नेगेटिव एस को नेगेटिव मानते हैं और ये ग्रेविटी की बात चले बेटा तो वो ऑलवेज माइनस के जी मानते हैं, ऑलवेज माइनस के जी. तो चलो यहाँ पुट करते हैं. अब एक ही डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है 2 m/s, तो इसलिए प्लस की और टाइम तो डायरेक्शन है नहीं है 5, तो इसलिए 10 m/s. ये वेलोसिटी इस जगह पर 5 सेकंड बाद बैलून की वेलोसिटी इतनी है. ठीक, अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि आफ्टर 5 सेकंड अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून. तो जब इस जगह से एक स्टोन हम रिलीज करेंगे तो हमको लगता है कि इस रिलीज कर रहे हैं दैट मीन्स इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जबकि ऐसा नहीं होता. यहाँ एक कंसेप्ट है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से सुने कि जब भी कोई आपको बलून छोड़ना है, जब भी आपको ये बलून छोड़ना है, जब भी छोड़ते हैं तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम किसी चलते हुए फ्रेम से जैसे इस बलून चलता हुआ बलून ऐसे छोड़ेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की को वह स्पीड मिल जाती है. तो इस स्टोन को ये वाली स्पीड मिल जाएगी जो कि फ्रेम की है, मतलब इस बलून की है, लेकिन फ्रेम का एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को नहीं मिलता. छोड़ने के बाद पार्टिकल हवा में आ जाता है और उसकी एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी के इक्वल होता है. बस ये पॉइंट नोट करने वाला है इसमें. इसीलिए इसमें जब हम इसे रिलीज करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी. इस बलून की जो वेलोसिटी है उस स्टोन को मिलेगी बट एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा.
इसीलिए इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी जो कि वी होगी। ठीक। फाइंड द टाइम टेकन द स्टोन टू रीच द ग्राउंड आफ्टर इट्स रिलीज। तो अब वो ऐसे ऊपर जाएगा पहले, फिर नीचे आएगा ऐसे। तो देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। देखो जैसे हमने ये रिलीज कर दिया ना, तो अब ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी चलेगा, लेकिन इस स्टोन को जो वेलोसिटी मिल जाएगी वो बलून की मिल जाएगी। ठीक। तो अब आप यहाँ से बी से बी कह देता हूँ डी तक चर्चा कर लेते हैं, बी टू डी स्टोन के लिए, स्टोन के लिए। तो आप इसमें टाइम फ्लाइट निकालना चाहते हो कि कितने टाइम में ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। तो आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले हमें ये हाइट निकाल लेनी चाहिए थी, हाइट कितनी है, उससे पहले ये सब करने से पहले हमें ये हाइट निकाल लेनी चाहिए थी, ये वाली हाइट। तो हम पहले ए टू बी वाली में ही, जब ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के एक्सेलरेशन से चल रहा था, तब हमें हाइट निकाल लेनी चाहिए थी कि एस बराबर नहीं, हाइट निकालनी है तो वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस के टू ए एस। तो वी तो आपकी 10 निकाल ली तो 100 हो गई, यू 0 है और प्लस टू ए जो है 2 है और डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स एच है। तो एच इज इक्वल टू 4 एच इज इक्वल टू 100, तो एच इज इक्वल टू 25 आपका मीटर, एच इज इक्वल टू 25 मीटर होगा। ठीक। अब यहाँ पर एस की वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे जब आता है तो एस नेगेटिव होता है, तो माइनस के 25। और इनिशियल एसटी, तो ये इनिशियल एसटी हम इस वी को लिखेंगे, वी तो वी की वैल्यू तो 10 है और ऊपर की तरफ इसीलिए प्लस की है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में हम मूव कर रहा है, छोड़ दिया है स्टोन, इसीलिए ऊपर हो चाहे नीचे हो माइनस के जी लिखते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट टी स्क्वायर। इस सिचुएशन में आप इसे सॉल्व करो तो ये माइनस के 25, ये 10t और ये माइनस के 5t स्क्वायर, इधर आ गया 5t स्क्वायर माइनस के 10t और माइनस के 25 0, तो टी स्क्वायर माइनस के 2t और माइनस का 5 बराबर 0। इसमें ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से कंपेयरिंग करके आप निकाल लीजिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस के 2 एंड सी की वैल्यू माइनस के 5, और टी निकाल लीजिए माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो टी की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 4 इंटू 5 20 और 2, तो प्लस के 2 और ये हो गया 24, और 24 को ले सकते हैं हम 2√6 डिवाइड बाई 2 ऐसे। तो इस सिचुएशन में आप लिख सकते हो 2 कॉमन लेके काट दो नीचे से, 1 प्लस माइनस रूट 6, और 1 प्लस माइनस रूट 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.45। ठीक, 2.45। तो अगर हम प्लस की वैल्यू लेंगे तो ऐड होंगे 3.45 सेकेंड, है ना, और माइनस लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा जो कि लेते नहीं है, इसीलिए टाइम जो स्टोन को लगा ग्राउंड तक पहुंचने में वो 3.45 सेकेंड लगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये तो टाइम निकाले, आफ्टर इट रिलीज्ड देन टोटल हाइट अटेंड बाय द बलून व्हेन द स्टोन रीचेस द ग्राउंड। जब स्टोन ग्राउंड पर पहुंचे तो कितनी बलून हाइट, टोटल हाइट कितनी कवर कर चुका होगा। तो पहले से वो 25 मीटर तो हाइट कवर कर चुका था जब हमने स्टोन रिलीज किया था, वो ग्राउंड पर पहुंच जाए तो ग्राउंड पॉइंट पर पहुंचने में उसे कितना समय लगा, इतना, और पहले से ये कितना समय था 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम अगर मैं निकालूं, टोटल टाइम
फॉर अपवर्ड मोशन फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ बलून तो टी आ गया टी डैश कर देता हूँ। 5 सेकेंड तो आपके यहाँ से यहाँ तक लग रहे थे फिर ग्राउंड तक पहुँचने में लग रहे हैं 3.45 प्लस 3.45 दैट मीन्स 8.45 सेकेंड। इसीलिए टोटल हाइट अटेंड बाई बलून इन 8.45 सेकेंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि बलून तो जो चल रहा है ऊपरी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रहा है ठीक। तो और इनिशियल वेलोसिटी बलून की 0 है तो ये 0 लिख देंगे, ये टी डैश प्लस हाफ ए की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 8.45 का होल स्क्वायर, ये 2 से तो 2 कट गया, इसका बस होल स्क्वायर कर लीजिए 71.4 मीटर। इतनी हाइट अटेंड कर लेगा जब वो ग्राउंड पर स्टोन पहुंचेगा तब तक बलून ग्राउंड से इतनी हाइट चला जाएगा ठीक।